बारिश का मौसम हो तो फटाफट कर डालो ये तीन चार काम। एक तो जो भी आपको पौधा ट्रांसप्लांट करना हो तो उसमें ये कर सकते हो बारिश के मौसम में, और कुछ नए पौधे लगाने हो तो वो भी लगा सकते हैं, और कलमे वगैरह सब बारिश के मौसम में लगती हैं। ये मेरे पास सिगोनियम की तीन चार वैराइटीज़ हैं, तो मैं आज उसी को लगाऊंगी। ये मेरे पास एक और गमला है उसमें काफ़ी गहरे हो रखा था, तो मैं उसमें से निकाल करके इन खाली पॉट्स में लगा रही हूँ। आप जैसे आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बूंदे बूंदे पड़ रही हैं, बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज अपनी ये प्लांटेशन की जाए, नए पौधे नए गमले और तैयार की जाए, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में जब भर जाता है। तो इसको एक दो चार 2 दिन के लिए इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि हर पौधे को सनलाइट चाहिए होती है, इसलिए 2 दिन से ज़्यादा अंदर रखते हैं तो ज़्यादा चलता नहीं है अच्छे से, पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो शेमी शेड में अच्छा रहता है, बरामदे में अच्छा रहता है ये पौधा। मेरा जो चैनल है आर्ट एंड क्राफ्ट एंड गार्डनिंग से रिलेटेड है, हम सूखी लीव्स भी कट कर देंगे जिससे कि पौधा हरा भरा दिखता रहता है। ये देखिए, हमेशा मतलब कि पानी, अभी तो बरसात के कारण गमले ये काफ़ी गीले हो रखे हैं, पानी हमेशा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही देना चाहिए, जब सूखे हों तभी देना चाहिए, इससे पौधा हमेशा बढ़िया रहता है। ओवर वाटरिंग हमेशा ही पौधे को ख़राब करती है। ये मेरे पास एक और वेरीगेटेड मनी प्लांट था, तो इसको भी मैं आज लगा रही हूँ। ये देखिए वाइट और ग्रीन पत्तों वाला, ये बहुत ही रेयर होता है, मतलब कि अच्छा लगता है दिखने में ये, जब काफ़ी गहरा हो जाता है। तो मेरा जो बस जो गहरा गमला था उसी में से निकाल करके मैं लाई हूँ। इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल को देखते रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।